DJ. ज्योति के साथ, तो कैसे हैं आप? आज संडे और मैंने सुबह नहाया था और अभी तक बालों में कंघी नहीं किया, उसकी वजह यशु ये देखो मोबाइल इसको धीमा करो, उसकी वजह ये है कि सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे सुबह बहुत तेज से गैस वाला दर्द उठा था पेट में, बहुत ही ज़्यादा सीवियर वाला, मुझे ऐसे गैस अटैक्स होते रहते हैं, तो उसकी वजह से जो है ऐसे लगा कि मेरे शरीर की ना मेरे बॉडी की सारी एनर्जी चली गई, आपको मेरे फेस से भी लग रहा होगा। तो उसी की वजह से मैंने कंघी नहीं की और बाल धुले थे तो वो ऐसे ही हैं अभी भी। अब सोचा है, अभी उठी हूँ तो सोचा है कंघी करूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाय बना के पीऊँगी। और होली के लिए मेरा भाई जो है नाश्ता लेके आया है, थोड़ी नमकीन शमकीन, तो नमकीन लाया होली के लिए। होली की तैयारी तो करनी ही है, चाहे तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो। तो मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या लाया है वो अपने हिसाब से, अपने दिमाग लगा के। तो इसमें ये कई तरीके के पैन हैं, इसमें मखारा है, मट्ठी है, कटोरी है, ये पोहा वाली नमकीन है, रस है, और ये एक नमकीन है। तो ये सब लेके आए। क्या हो रहा है, बार बार कैमरा क्यों बंद हुआ जा रहा है? तो ऊपर आज जो है म्यूजिक सिस्टम सब सही से किया गया है, अटैच करने वाला आया था, कुछ चीज़ें खो गई थी तो वो सब, तो वही हुआ है। तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में। किचन में मैं दोपहर से नहीं आई थी और अभी मेरी जो हाउस हेल्पर हैं वो काम करके गई हुई हैं। तो मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी सब्जी और लौकी का रायता और पराठे। तो मेरी तबीयत अब कुछ थोड़ी सी बेहतर लग रही है, मैंने रबर बैंड नहीं लगाया, ऐसी चोटी गूंथ ली थी। और जब आप बीमार होते हो, वैसे मैं क्या बताऊँ आपको, शर्म आती है बताते बताते कि हफ्ते में एक दो बार तो मैं बीमार हो ही जाती हूँ, लेकिन चलती रहती हूँ, काम करना नहीं। तो ये भिंडी है, तो ये भिंडी को मैंने धुल लिया है और अभी इसे सुखाऊंगी, थोड़ी देर रखूंगी जिससे इसका पानी थोड़ा सा हट जाए, फिर इसे कट करूंगी। तब तक मैं लौकी को छील के उबाल लेती हूँ रायता बनाने के लिए और बनाऊंगी पराठे। संजू ने बोला है कि पराठे, और संजू को टीवी देख रहे हैं। होली का कुछ समझ नहीं आ रहा है, जब तबीयत नहीं ठीक होती तो कुछ समझ भी नहीं आता है ना, तो कुछ नहीं, ऐसे ही चल रहा है सब। और बस क्या, चलो बनाते हैं खाना, तैयारी करते हैं खाने की।
तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे ममता की मम्मी कर रही हैं सफाई, और मैंने भी थोड़ी उनकी हेल्प करी है। मतलब उनकी क्या हेल्प करी है, बस थोड़ा सा बिस्तर वगैरह बेडशीट वगैरह सही करी, और जो देखना था कि कहाँ क्या कपड़े फैले पड़े थे सोफे पे, तो ये सब देखा है। बाकी जो है अभी बहुत सारा सामान वगैरह इधर उधर करना है, तो वो तो होता रहेगा। सामने मैंने टेबल बनवाई थी, टीवी के नीचे की जो रैक थी वो जो पहले थी वो तो हट गई, वो तो जब पेंट हुआ था तो वो तुड़वा दी गई थी। तो अभी मेरा सारा होम थिएटर ऐसे ही कल कनेक्ट करवा दिया है संजू ने। कल सारे फ्लोर के जो है होम थिएटर और म्यूज़िक सिस्टम सब सही करवाया है, कनेक्ट करवाया है। सही तो थे, मतलब कनेक्ट नहीं थे, तो वो कल करवाए हैं। बाकी सब हेलो। काम तो हो रहा अब है, मैं नहा टेबल के आई आ नहीं गई हूँ है। और आज ही दूसरा दिन, और अभी मैंने नहा के पूजा कर ली है, मंदिर में जोत भी जला दी है और ऊपर का काम भी सारा हो गया है, सब क्लीनिंग वगैरह हो गई है। और ये मेरे बच्चे टहल रहे हैं, बच्चों को कोई वो नहीं है, उनके फुल होली सवार हैं। और मेरे घर से ये दरवाजे के कपड़े कभी नहीं जाएंगे, मैं जितना भी हटा लूँ वो आ ही जाएंगे। और एक लड्डू टीवी, चमचमाती धूप है आज तो, बिल्कुल बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। तो अभी चलते हैं नीचे, ममता मम्मी किचन का काम कर रही है। मंकी मंकी बैठो, मंकी बूढ़ा बंदर है, बूढ़ा बंदर। आज धूप अच्छी निकली हुई है। तो गंजू मेरा, अभी थोड़ा सा मुंह पे कुछ लगा लेते हैं फिर चलते हैं नीचे। बेटा लाइट बंद करो यहाँ की, हॉल की। मेरा सीक्रेट क्या लगाती हूँ मैं लगाती हूँ ये गुलाब जल, और इसमें ग्लिसरीन पड़ा हुआ है थोड़ा सा। क्या जल रहा है, डराओ नहीं। फिर थोड़ा बालों को सही करूँ। यही सब जगह, चार अलमारी है। इसमें गुलाब जल, नींबू और ग्लिसरीन मिला के रख लेती हूँ, मैं यही लगाती हूँ। बहुत जब गर्मी होती है तब तो कुछ नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मेरी स्वेटिंग बहुत होती है। लाइट मैं भी लगा लूँ, कोई अच्छा सा खुशबू ला, मैं लगा लूँ परफ्यूम। अच्छी स्मेल है। आज नाऊंगी कल, आज नाऊंगी कल, जब मर्जी हो तब नहाओ, मत नहाओ। अब सीधे अगले साल होली में नहाना, कह रहा आज नहाऊंगी कल, बताओ अभी कल। चलो कंघी भी कर लेते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। फाइनली खाना वाना खा के अब मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने। और जो खाने में तो बता ही दिया कि आपको कि दाल चावल बनाए थे मैंने, और रात की भिंडी और रायता रखा था। रोटी तो मैंने रोटी नहीं खाई, मेरा रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो अभी बालों को मैंने जो है सुलझाया है, और अभी शाम को बहुत सारा काम है। शाम के लिए मैंने दाल भिगोई है, और वो क्या कहते हैं छोले भिगोए हैं। तो कल जो नाश्ते में है, आप लोग का दिल्ली का पता होगा, यहाँ पर एक दिन की होली होती है। एक दिन का मतलब ये होता है कि सिर्फ कल ही होली होगी, कल मतलब वो जो है रंग खेला जाएगा, कल ही एक दूसरे के घर जाएंगे, कल ही खा पी के सब खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे यूपी में, लखनऊ में, कानपुर में होली बहुत धूमधाम से होती है। मतलब कानपुर में तो होली जो है
15 दिन तक होती है, अष्टमी तक तो सिर्फ होली खेली जाती है, फिर उसके बाद होली मिलन होता है, एक दूसरे के घर जाते हैं और बड़ी सारी तैयारियां होती हैं, पता नहीं कितनी तो नमकीन मट्टियां नमक पारे और ये सब बन जाता है, बाहर से आता है पापड़ महीने भर पहले से बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहाँ की होली इस तरीके से होती है और बचपन से मैंने भी ऐसे ही मनाई, लेकिन यहाँ पर इन सब चीज़ों का प्रचलन नहीं है। पापड़ है, जो भी है, जो भी खाना पीना और है, वो सारा कुछ एक ही दिन के लिए होता है। तो मैं भी इतना अकेले पड़ जाती हूँ तो मैं इतना स्ट्रेस अब नहीं ले पाती हूँ। 2 साल से, पिछले साल भी मैंने गुजिया बाहर से ही मंगाई थी और इस बार भी मैं बाहर से ही मंगा रही हूँ, क्योंकि कोई हेल्प नहीं मिलती है और गुजिया वुजिया बहुत टाइम टेकिंग होता है, उसको प्रिपरेशन विपरेशन तो सब कर लो लेकिन उसको बनाने में जो है बहुत टाइम लगता है। तो अगर कोई बनवाए ना तो कम से कम साथ बैठ के थोड़ा टाइम पास हो जाता है तो भी ठीक लगता है, लेकिन अब बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको मैं कहाँ तक 2-3 घंटे बैठाऊंगी। तो और फिर मुझे बैठे बैठे गैस का प्रॉब्लम भी होने लगता है, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं बनाऊंगी बाहर से ही, कोई इतना खाने वाला नहीं, संजू अगर बनेगा तो वो भी खाएंगे बट उनको शुगर है इसलिए मैं दे नहीं सकती, और वैसे भी उनका इस समय शुगर लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो मैंने कहा कोई नीड नहीं है, इतना ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर बनते हैं कल बहुत सारे टाइप्स के पकौड़े, यानी पालक के पकौड़े, गोभी के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, आलू के पकौड़े, मिर्ची के पकौड़े, मतलब बहुत सारे पकौड़े बनते हैं, तो कल वो पकौड़े बनेंगे। और मैंने मेन्यू में रखा है दही भल्ले और कस्टर्ड और छोले, सूखे छोले बनाएंगे। तो ये इतनी चीज़ें ये हो गई, प्लस फ्रूट्स रहेगा, इतनी सारी नमकीन है वो रहेगी, पापड़ है जो मैंने मार्केट से मंगाए हैं, तो वो सारा जो है हो जाए। और मेरी लारा का राटी ले रही, आपको सुनाई दे रहा, और पता है ये क्या है, ये मेरी लारा की पूछ है, बोलते टेल है, कितनी क्यूट सी है ना, लारा इधर ला जाओ उसकी पूछ अपनी, तो ये लारा की टेल है, इतनी घनी, इतनी डिजाइनदार, जब ये जाती है ना पार्लर तो वो लोग इसको ऐसे ट्रिम कर देते हैं। तो जो है यही है कल की तैयारी। तो दही भल्ले मैं रात में बना के रख दूंगी, क्योंकि सुबह का तो कोई मसला है नहीं, क्योंकि सुबह तो टाइम नहीं है, रात में बना के रख दूंगी। और छोले उबाल के रख दूंगी और सब्जियां काट के रख दूंगी, जैसे पालक वगैरह है, धुलूंगी नहीं, ऐसे ही काट के रख दूंगी, जिससे सुबह मेरे लिए इतना हड़बड़ हड़बड़ ना रहे, क्योंकि फिर सुबह सारा टाइम खाना बनाने में वैसे भी जाएगा ही, पकौड़े वकौड़े तो गर्म ही गर्म तलने पड़ेंगे, तो वो सारा तो टाइम जाएगा किचन में, लेकिन हड़बड़ाहट ना हो, क्योंकि अकेले जब आप करने वाले होते हो तो बाकी सब तो अपने अपने में मस्त हो जाएंगे, एक मैं रह जाऊंगी। तो बस आई होप कि सब अच्छे से बीत जाए, क्योंकि होली में मुझे बड़ा डर लगता है, क्यों कभी कभी ज़बरदस्ती बहुत सारी चीज़ें रंग वंग लग जाता है, तबीयत भी ठीक नहीं है और हुड़दंग भी बहुत होता है, लोग जो है ड्रिंक व्रिंक करके, और इस समय तो बिल्कुल क्राउड से दूर रहने वाला है, घर कोई आ जाए तो उसे मना नहीं कर सकते, तो ये सब चीज़ें दिमाग में चल रही हैं कि अगर कोई आया, मिल रहा है, गले मिल रहा है, टच और लेसा पोती, तो उसको कैसे अवॉइड करेंगे, अच्छा नहीं लगता, मना करते, लेकिन लोग इतने समझदार भी नहीं है, इतना न्यूज़ और टीवी में चल रहा है। इनफैक्ट अभी मेरे बेटे के स्कूल से भी मैसेज आया कि हैप्पी होली, प्ले सेफ, अवॉइड क्राउडेड एरियाज एंड क्राउड, और जो है मतलब हाइजीनिक होली खेलिए, तो ये सब चीज़ें सभी ये लोग स्प्रेड कर रहे हैं बट इतना लोग करते नहीं हैं। अब मेरे ही घर में मेरे बच्चे ही नहीं मान रहे, मैं बोल रही हूँ कि इतना ज़्यादा गीला वीला होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए, बट देखो वो क्या करते हैं। तो बस सारी उम्मीदों और होप के साथ अच्छे से ये त्यौहार मन जाए, और आप सबको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएँ, खूब अच्छे से सेफ होली खेलिए और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, हाइजीन का बहुत सारा ध्यान रखिए, और जो है हो सके तो कम जो है इस त्यौहार को मनाइए। मैं हमेशा कहते खूब धूमधाम से नहीं, लेकिन इस बार मैं खुद कह रही हूँ कि थोड़ा सिंपल सिंपल और बस मना लीजिए, ज़्यादा क्राउड में ना जाइए, जो बीमार लोग हैं उनसे टच वच होने में अवॉइड करिए। अगले साल फिर होली आएगी तो अच्छे से मना लेना, इस बार थोड़ा कम मना लो, ठीक है। तो यहीं पे मैं इस व्लॉग का एंड करूँगी, इतना ही बस मेरे इस व्लॉग में, मिलूँगी फिर नेक्स्ट व्लॉग या नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आपको अपना खूब सारा ख्याल रखना है और खूब खुश रहना है,
प्लस हैप्पी होली। होली आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो, मंगल हो, आपके परिवार में बहुत सारी खुशियां आए, लेकिन थोड़ा सावधानी से।